हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। 4x3 H/60 गाजी वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम गाजी मदरसा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाम अलादत के मौके पर मदरसा के बच्चों को कपड़े और कंबल तकसीम किए गए, जिसमें इलाके के मोजिस हस्तियां ने शिरकत फरमाई और बच्चों की हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तमाम क्लब के मेम्बरान ने अपने ताउन से अब इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मदरसा के मोहतमीन और दीगर मेंबर और देखते हैं इसकी तस्वीरी झलकी। अली जनाब मोहम्मद साहब को हम जिनके हाथों से मदरसा का लिबास दिया जा रहा है, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल के लिए नारे सलाम करो। हम अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर दोस्तों, गाजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आप सब तो रसूल पाक अलैहि सलाम का आमद का मुबारकबाद देता हूँ। आज वो दिन है कि जिस दिन के बारे में दुनिया के तमाम अंबिया फखर महसूस करते हैं। आज वो दिन है जिस दिन के बारे में अल्लाह का खुश और बंदा का खुश। आज वो दिन है कि जिस दिन के लिए तमाम अंबिया भी इंतजार कर रहे थे और हम गुनहगार भी इंतजार कर रहे थे। आज वो दिन है जिस दिन में तमाम कायनात के लिए जो रहमत ने पैदा हुए, आज वो दिन है जिन्हें अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ हबीब, अगर मैं तुझे पैदा नहीं करता तो ये कायनात नहीं। गाजी वेलफेयर सोसाइटी के जेरे तमाम गाजी मदरसा में आज जो ये कंबल और बच्चों को मदरसा का ड्रेस वगैरह दिया जा रहा है, इस बारे में आप बताएं। आप यहाँ के प्रिंसिपल है ये मोहतमी में, क्या नाम है आपका? प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली बरकाती है जी। और यहाँ गाजी मदरसे में जो ड्रेस दिया जा रहा है, ये गाजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिया जा रहा है। और इनमें जितने भी मेम्बरान हैं सब माशाल्लाह बहुत दीन की खिदमत के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं और दीन की खिदमत के बारे में बहुत एक्टिव रहते हैं। इन लोगों को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, इन लोगों को अल्लाह इन लोगों के रिस्क में बरकतें अता फरमाए। आप इस बारे में कुछ बताने से, कितने लोगों को, कितने बच्चों का ये इंतज़ाम किया गया है ये कपड़ों का? जी मेरा नाम हसन है जी। हम लोग यहाँ मदरसे में कम से कम 85 बस बच्चे पढ़ाते हैं। आज हम लोग 85 बच्चों को एक ड्रेस कोड का प्रोग्राम किया और सारे बच्चों को एक जैसा। लेडीज़ बच्चे भी हैं यहाँ? लेडीज़ बच्चे भी हैं। अच्छा, उनकी संख्या कितनी है, बच्चियाँ कितनी हैं? बच्चियाँ है कम से कम 35 बच्चे। 35 बच्चे, बाकी सब बच्चे। अच्छा, कितने उम्र के होंगे ये सब? हमारे यहाँ 8 साल, 5 साल और 10 साल के बच्चे। अच्छा, ये प्रोग्राम आप लोगों ने पहली बार किया या इससे पहले भी आप लोग? हम लोग ये मदरसा 2014 से शुरू किए हैं, इंशाल्लाह ताला और भी आगे चलेगी और अब तक बहुत अच्छा से चल रहा है। इस पर हम लोग 2014 से चला रहे हैं। आइए दोस्तों पूछते हैं दूसरे मेम्बरान से इस क्लब के। आपका नाम? आप बताइए। आप मदरसा हम लोग 2014 से चला रहे हैं, जो एक्टिव मेंबर हमारे। कितने मेंबर इस क्लब में? क्लब में मेंबर तो है 100 मेंबर, 100 बट हम लोग 8-10 मेंबर एक्टिव जो है मदरसा को ऑर्गेनाइज करके चला रहे हैं। इसमें मोहल्ला के बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। अच्छा। बट ये मदरसा चल रहा है हम लोग का, इसमें कोई बच्चा जैसे डोनेशन कुछ नहीं लिया जाता, कोई ताउन किसी से नहीं। आप मेंबरान हजरात ही इससे मैनेज करते हैं? बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, हम लोग उन लोग का तहदिल से गुजार करते हैं जो हम लोग हेल्प करते हैं और हम लोग इसमें मेहनत करते हैं।
साहेब भाई हमारे हैं, हसन भाई हैं, साउटिन भाई जो हैं, हमारे हाफिज अहमद साहब, ये हम लोग मिलकर बहुत बेहतरीन से चला रहे हैं और अल्लाह का फजल से इसको और भी बढ़िया हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम लोग इसमें ड्रेस कोड का इंतजाम किए हैं, इसमें हमारे सब भाई का इसमें मतलब हम लोग सोच के प्लान बना के इसको किए हैं और भी बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, आपने ये प्रोग्राम यौम अलादत नबी साहब के इसमें किए हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? हर साल हम लोग आपका जुलूस भी निकालते हैं और हमारे मोहल्ला के तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें हम लोग बहुत शुक्रगुजार है रकीब भाई, शाहिद भाई, जितने सीनियर हमारे हैं इसमें शामिल होके हम लोग का सब चलते हैं।